संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ का पाठ सोमवार 13 फरवरी से बुधवार 15 फरवरी तक अभिजीत नगर स्थित वसंतराव गणिंकर के घर पर बुधवार 15 फरवरी को पाठ का समापन हुआ। दोपहर 1 से 3 बजे तक नीलकंठ महाराज सावरकर ने गोपाल काला का कीर्तन किया। सोमवार 13 फरवरी को सुबह 8 बजे गजानन महाराज प्रतिमा की स्थापना, कलश पूजन व पारायण प्रारंभ हुआ। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 से 5 बजे तक महिला मंडल भजन, शाम 7 से 9 बजे तक नीलकंठ महाराज सावरकर और राम राव अवजेकर, अशोक लोखंडे, नामदेव रामटेके, विट्ठल राव किनकर उपस्थित थे। काकड़ आरती 14 फरवरी मंगलवार को प्रातः 6 से 7 बजे तक एवं सुबह 7 से 11 बजे तक गजानन महाराज की प्रतिमा का पूजन व पारायण, दोपहर को केदार गजानन महिला भजन मंडल द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। विजय ग्रंथ के एक अध्याय का पाठ किया गया। हरिपाठ शाम 7 से 9 बजे बुधवार 15 फरवरी को सुबह 7 से 11 बजे तक गजानन महाराज की प्रतिमा का पूजन एवं पारायण, दोपहर दिंडी शोभा यात्रा निकाली गई। गोपाल काला वितरण के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में संगीत भजन का आयोजन किया गया था। इसमें गुरु साइच्छा भजन मंडल के महेश चौधरी, खुशबू चौधरी, श्याम शर्मा, नितिन चिंचमलकर, नरेंद्र सिंह, पवन हिवरे ने मधुर गीत गाए। कार्यक्रम का सैकड़ों नागरिकों ने लाभ उठाया। कार्यक्रम का आयोजन वसंतराव घणिनकर, माधुरी घणिनकर, सौरभ घणिनकर, कोमल घणिनकर, शुभांगी घणिनकर इनके द्वारा किया गया। BCN News के लिए अभिषेक मानसी की रिपोर्ट।